हेलो एवरीवन, आउट ऑफ द बॉक्स विद विक्रांत के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि IIT JEE 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो जो 2 महीने का वक्त अभी उनके पास बचा हुआ है, उन 2 महीने में वो अपने तैयारी को कैसे अंजाम दें ताकि एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग हमारे पास 60 डेज के मुताबिक वक्त बचा हुआ है ना। तो 3 तरीके के स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे होंगे। मतलब पहला टाइप का स्टूडेंट वो है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को शायद जनवरी और फरवरी से ही शुरू कर दिया है और वो लोग अभी तक अपने सिलेबस को लगभग ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरीके के बच्चे को अभी क्या करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आगे 2 महीने आप उसको किस तरीके से अंजाम दोगे। दूसरे टाइप के बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने आई थिंक कि अपने सिलेबस को 60-70% कंप्लीट किया होगा। होप्सो वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो जुलाई या अगस्त से स्टार्ट किए होंगे उन्होंने और अपनी प्रिपरेशन को उन्होंने लगभग 60-70% कंप्लीट किया हुआ है। तो वो फिर कैसे इन 2 महीने को टैकल करेंगे। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट वो है जिन्होंने शायद अभी कुछ दिन पहले ही एक प्लान बनाया है कि चलो भैया स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार जेएम का पेपर देने की कोशिश करते हैं, अभी से स्टार्टिंग की है। तो ये 3 तरीके के बच्चों में से आप कौन से तरीके के बच्चों में लाई करते हैं उनके मुताबिक आपकी स्ट्रेटजी आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में 2 तरीके के बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपने सिलेबस 90% कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट 100%, और वैसे बच्चे जिन्होंने 60-70% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और जिनको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे तरीके से उन बातों को समझाऊंगा बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशंस को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है उनको अभी क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, ऑलमोस्ट आपने अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क तो कर ही लिया है ना, और अभी कुछ दिनों तक आपको लगता है कि आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं ना। जैसे ऑर्गेनिक में मान लीजिए कुछ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आई होप कि आपको लास्ट दिनों में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस कभी कभी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आप NCERT के बुक से पढ़ सकते हो। 11th की NCERT किताब होती है, उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई होगी, छोटी छोटी बातें। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर अभी वक्त है, आपने प्रिपरेशंस कर लिए, तो इन टॉपिकों को अभी आप कुछ दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते होंगे जिनको आपको अभी लग रहा है कि हाँ, आपने दिमाग में लगाया होगा कि भैया ये टॉपिक्स हैं, इनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप उनको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, उन टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज का वक्त है, तो आप क्या करिए, आपको बच्चों 2 चीज़ें पैरेलली करनी पड़ेंगी, एक रिवीजन और एक टेस्ट। क्योंकि रिवीजन के साथ अगर टेस्ट करते रहोगे ना तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर हो सकता है अगर आप रिवीजन पहले करना चाहते हैं तो पहले चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए फिर टेस्ट के लिए दिए। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, रिवीजन और टेस्ट, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले मैं रिवीजन की बात करता हूं बच्चों, आपको इन 60 डेज में 4 टाइम्स रिवीजन करने होंगे। मतलब पहला लॉन्ग रिवीजन प्रोसेस, शॉर्ट रिवीजन प्रोसेस, वेरी शॉर्ट रिवीजन प्रोसेस और एक चुटकी बजा के जो रिवीजन होता है उसको आपको एग्जाम से पहले करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपके पास इन जो 2 महीने का वक्त है इनमें से आपको 4 टाइम्स रिवाइज करने चाहिए चीज़ों को, ताकि हर एक चीज़ जो आपके जहन में है वो फ्रेश अप रहे, एग्जाम में उनको भूलने का डर खत्म हो जाए। क्योंकि ऑफकोर्स अभी आपके पास जितने भी टॉपिक आपने पढ़ ली होंगी अभी भी दिल में थोड़ा धकधकी तो हो ही रही होगी, यार भूल जाऊँगा एग्जाम में कैसे कर पाऊँगा, तो उन सबको हम रिवीजन करके ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा वक्त है, तो शुरुआत करते हैं रिवीजन के लॉन्ग प्रोसेस से। तो आप अपने लॉन्ग प्रोसेस को अंजाम दीजिए, जैसे कि पूरे जो भी टॉपिक है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है, मान लीजिए आपने 25 डेज का इस प्रोग्राम को रखिए, 25 डेज में आप 8-8 दिन इन तीनों सब्जेक्ट को दीजिए, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को और फिजिकल को। इससे क्या होगा कि 8-8 दिनों में आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं वो सबके सब एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे। और इस रिवीजन प्रोसेस के दौरान, ये लंबा रिवीजन इसलिए है क्योंकि जब हम लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है बच्चों, और सेकेंड टाइम जब हम लोग रिवाइज करने के लिए जब आते हैं ना तो उसमें हमें ये पता होता है कि हाँ, मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो हम क्या करेंगे, जब रिवीजन करेंगे अपना लॉन्ग रिवीजन प्रोसेस, उस रिवीजन के दौरान आपने जैसे कि टॉपिक आपने उठा लिया है, मान लीजिए नेम रिएक्शंस, तो नेम रिएक्शंस में इतने सारे सब टॉपिक्स होंगे, उन सब टॉपिक्स को आपको क्या करना होगा, एक एक करके पढ़ना है और उनमें से आपको अंदाजा लगा लेना है कि इन सब टॉपिकों में मुझे प्रॉब्लम आई है, उसको टिक कर लीजिए, है ना। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो मान लीजिए सब टॉपिक को आपने टिक कर लिया है, क्योंकि
इन टॉपिकों को फर्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो उनमें से कुछ टॉपिक को हम पकड़ लेते हैं कि इनको हम सेकेंड रिवीजन के दौरान ढंग से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में भी आपने उसको मेहनत करी है। अगर उसमें आपको भूलने का डर है तो सेकेंड रिवीजन में आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको पहली बार में समझ में आ गई है वो आपके जहन में बैठी रहेंगी, और जो चीज़ें भूलने का डर है उसको आप सेकेंड रिवीजन प्रोसेस जब स्टार्ट करोगे तो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पहला रिवीजन को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उनमें से आपको अपने वीक पोर्शन और अपने स्ट्रांग पोर्शंस को डिफरेंशिएट कर लेना है, ताकि जब सेकेंड रिवीजन आप करने जाए तो आप उसमें आपको आसानी हो कि क्या पढ़ना जल्दी है क्या छोड़ना जल्दी है। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चंस भी करने पसंद करोगे तो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मेंटली सॉल्व करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि बुकलेट में या आपके असाइनमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने जब फर्स्ट टाइम स्टडी किया होगा तो आपने असाइनमेंट्स को सॉल्व किया होगा। अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व किए हुए हैं तो सेकेंड टाइम उन सारे असाइनमेंट्स को दोबारा से कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, मान लीजिए एक बुकलेट में 50 क्वेश्चंस एक चैप्टर में, तो आप ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड 30 क्वेश्चंस को आप हो सके तो कॉपी कलम से इस्तेमाल करके आप सॉल्व करिए। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, 50% क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और 50% क्वेश्चनों को मेंटली सॉल्व कर लेना है। और याद रखिए, जो क्वेश्चंस को आपको लगे कि हाँ इन क्वेश्चनों में हमें प्रॉब्लम आई थी ना, उन क्वेश्चनों को सेकेंड टाइम जब रिवीजन करने के लिए जाओगे तो उन क्वेश्चनों को टिक मार करके रखो, ताकि हम उन क्वेश्चनों को दोबारा से जब सेकेंड टाइम रिवीजन करने के लिए जाएं तो हम उन क्वेश्चनों को दोबारा से देखें। ठीक है, तो मेंटली आपको फर्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी चीज़ों को, अपना डिफरेंशिएट करना होगा वीक और शॉर्ट टॉपिक्स, अच्छे और वेरी इजी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट आपको कर लेना चाहिए बच्चों। तो ये आपका पहला प्रोसेस होगा जिसको आपको 25 डेज में कंप्लीट कर लेना चाहिए। सेकेंड टाइम जब आप रिविजन करने के लिए आओगे, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट, मतलब उसको शॉर्ट रिवीजन प्रोसेस है, यानी जिस टॉपिक को आपने हो सकता है दो दिन का वक्त दिया होगा, उस टॉपिक को आपको एक दिन या आधे दिन में इस बार रिवाइज करना है। और बच्चों, रिवाइज इसलिए हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं क्योंकि दिमाग में भूलने का डर इन्हीं से ख़त्म हो सकता है। और जब आप सेकेंड रिवीजन करने जाओ तो उस समय आप अगर टेस्ट के लिए जाओगे, यानी टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज़ किया हुआ है कहीं पे या टेस्ट आप दे रहे हो, तो सेकेंड रिवीजन के दौरान आप टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि सेकेंड रिवीजन में आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को एनालाइज कर चुके होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये टेस्ट देते चले जाते हैं, पर बच्चों टेस्ट तुम्हारे लिए जो है वो इसलिए बनाया गया है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओ। मतलब आप टेस्ट तभी दो कि जब आप खुद प्रिपेयर हो उस टॉपिक के लिए। ये नहीं है कि आपको टेस्ट पोर्टल मिला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद लिया होगा कहीं ना कहीं से, है ना, तो आप सोचते हो कि चलो टेस्ट दे देते हैं। पर देखो, टेस्ट जो आपको देना है बच्चों वो पढ़ करके देना है, इसलिए आपका टेस्ट पोर्टल में टेस्ट आपका पड़ा हुआ रहता है, उसको आपको कोई छीनने वाला नहीं है। तो आप क्यों ना अपने प्रिपरेशन को जब अप टू द मार्क कर लो, फिर वो टेस्ट को दो। तो ये बात का ख्याल रखिएगा, जो टेस्ट है वो आपको पैरेलली देना है, पर सेकेंड रिवीजन के दौरान देना है। पहले रिवीजन में अच्छे से सब चीज़ों की पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद अब जब टेस्ट देने जाओगे तो सेकेंड रिवीजन के दौरान आप टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि उस समय तक आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे वो लगभग क्लियर हो चुके होंगे, आपके वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता कर चुका होगा। तो आप उस समय टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करिए अपने सेकेंड रिवीजन के दौरान, और जब सेकेंड रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको पता ऑलमोस्ट यू हैव डन विद द टॉपिक्स, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं उसको भी आप कंफर्टेबल जोन में ला पाएंगे। तो एक लॉन्ग रिवीजन प्रोसेस के बाद आप कम टाइम में, यानी आप कह लो जो टॉपिक आपने 25 डेज में पढ़े थे उनको आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है, ये मेंटली प्रिपेयर रखो। 25 डेज में आपको टॉपिक कंप्लीट करना है फर्स्ट रिवीजन का, शॉर्ट रिवीजन में आपको 15 डेज देने हैं तो 40 डेज हो गए, एंड वेरी शॉर्ट रिवीजन में ऑलमोस्ट आपको 5 डेज में समझ लो या 7 डेज में चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। तो आप समझ लीजिए, ऑर्गेनिक के लिए 2 दिन, इनऑर्गेनिक के लिए 2 दिन, फिजिकल के लिए 2 दिन। तो आपने शुरुआत 8-8 दिनों से करी होगी, फिर आपको 5 डेज या 4 डेज में करना है, फिर 2 डेज में लेके आना है। ये इस तरीके से मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इससे रिवीजन इतना हो जाएगा कि आपको पूरी चीज़ें जहन में चलने लगेंगी, यानी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के सारे टॉपिक्स ना आपको पूरे तरीके से दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, है ना बच्चों। एंड द लास्ट वन, जब आप एग्जाम से 3-4 दिन पहले की बात करें तो उसमें चुटकी बजा के रिवीजन करना, यानी हर एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को रिवाइज करना है। और इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने प्रिपरेशंस के दौरान किया था, इससे हुआ क्या था कि मुझे ना सब्जेक्ट के में भूलने का डर खत्म हो गया था। मतलब थोड़ा बहुत तो रहता ही है यार, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिविज़न कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे अपना, है ना। तो टेस्ट तभी दीजिए जब आपको लगे कि यार यू आर रेडी फॉर द टेस्ट, उस पोर्शन को आपने पढ़ लिया है, देन आप टेस्ट दीजिए। ये नहीं कि आपका फ्रेंड टेस्ट दे रहा है तो यार मैं भी दे देता हूँ टेस्ट, ऐसा नहीं करिए आप।
समझ गए। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, ऑलमोस्ट आपने डन कर लिया है अपने कोर्स को सबसे पहले, तो आप इस तरीके के प्रोसेस को अपना सकते हैं। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अपने कोर्स को 70% या 60% कंप्लीट कर लिया होगा। उनके बहुत सारे ऑर्गेनिक के टॉपिक्स रह रहे होंगे, फिजिकल के कुछ टॉपिक्स रह रहे होंगे या इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स रह रहे होंगे बच्चों। तो आपको अभी क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि यार उस दोस्त ने तो मेरा पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। डोंट वरी, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अभी के दौरान में लगभग जो दिसंबर का वक्त बचा हुआ है या हम कह सकते हैं 5th जनवरी तक आपके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है, प्लीज आप उनको पहले पढ़ लीजिए। क्योंकि पहले आप ऑलमोस्ट अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। आप कुछ टॉपिक्स को लेफ्ट भी कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स में आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, दिमाग में उस चीज़ों को अभी आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना भी टॉपिक आप पढ़ें वो सॉलिड पढ़िए, मतलब उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से रिवाइज करने का भी वक्त आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिमाग में इसको यूटिलाइज कीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए आज है 8th ऑफ दिसंबर और मेरे पास लगभग 20 डेज दिसंबर में बचे हुए हैं, 22 डेज, और 5 डेज आपके पास बचा हुआ है जो कि जनवरी में है, तो इसका मतलब 27 डेज आपके पास है। तो लगभग 27 डेज में आप जितने भी टॉपिक्स आपके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के, वो इनको आप क्या करिए, कॉपी में नोट करिए और उनके अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास टाइम है उनको डिवाइड करके देखिए कि इस टॉपिक में मैं कितना दिन दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करिए बच्चों। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यस आई हैव डन विद माय सिलेबस। और उसके बाद रिवीजन की बात सोचिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यू हैव टू डू, मतलब कि 5th ऑफ जनवरी तक आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद यानी 25 डेज जो जनवरी के बचे होंगे उनमें आपको अपने लॉन्ग रिवीजन को अंजाम देना है। और आपको रिवीजन बड़ा आसान लगेगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपने अभी रिसेंट में कवर किए हैं, तो आपको आई थिंक कि उन टॉपिकों में बहुत कम वक्त लगेगा और आप आसानी से अपने फर्स्ट रिवीजन को ध्यान से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको तो 3 रिवीजन्स करने हैं, यानी एक लॉन्ग रिवीजन्स करना है जिसमें सारे टॉपिकों को फिर से गहराई से थोड़ा सोचना होगा, वही बात आपको फॉलो करनी है जो मैंने फर्स्ट रिवीजन प्रोसेस में उन बच्चों के लिए बताया था जिनके कोर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करिए, वीक टॉपिक और स्ट्रांग टॉपिक को एनालाइज करिए ताकि आप सेकंड रिवीजन में उनको दोबारा से वीक टॉपिकों पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट करिए और उसी समय टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि आपको भी टेस्ट देना है बच्चों। विदाउट टेस्ट अगर आप एग्जाम में जाओगे तो गलतियां ज़्यादा होंगी, तो आप टेस्ट दीजिए ताकि जो गलतियां आप करोगे वो मैक्सिमम गलतियां इसी टेस्ट में आपकी हो जाएं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मैंने इस टाइप की गलतियां करी हैं, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले वो चीज़ आपके जहन में बैठी रहे। तो बच्चों आप अगर सेकेंड रिविज़न को अच्छे से कर पाए, फर्स्ट रिविज़न को आपने लॉन्ग रिविज़न अच्छे से कम्प्लीट किया है, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, सेकंड रिवीजन में जाइए, वीक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करिए, जल्दी से उसको रिवीजन करिए, तो 25 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन करिए, उसके बाद 5 से 7 डेज में, या फिर मैं कहूँ तो 25 डेज के अलावा आप उसको 20 डेज का ही वक्त दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टॉपिक रिफ्रेश रहेंगे, तो 20 डेज में उनको कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। एंड देन आफ्टर 10 डेज दीजिए जिसमें आप शॉर्ट रिवीजन को अंजाम दे पाओगे, ठीक है। तो उसका मतलब 10 डेज में आप शॉर्ट रिवीजन कर पाओगे, यानी 5th ऑफ फरवरी तक आपने रिवीजन सेकंड टाइम्स कंप्लीट कर लिया होगा, और वेरी शॉर्ट रिवीजन जो आप करोगे वो आप 5 डेज में इसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा, और चुटकी बजा के रिवीजन आपको क्या करना है, एक ही दिन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो यानी 10 फरवरी से आप जब 14 फरवरी को अगर आपका पेपर है तो 2 से 3 दिन आपको हर दिन पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पर डे रिवाइज करनी है, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप आसानी से उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बस इन जर्नी के दौरान थोड़ा प्रेशर आएगा, हम पैनिक भी होंगे, बट देखिए जर्नी यही है, एग्ज़ाम का प्रेशर यही है, इन सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है ना। कोई भी बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वीक है, सबको इसी रास्ते से जुड़ना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, प्रेशर झेलना है, पैनिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बार कभी कभी क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं बन रहे होंगे, दिमाग थोड़ा सा ख़राब होगा, बट ऑल द मोमेंट यही है कि आप उसमें लगे रहें, आप एंड तक जाएं, एकदम एग्ज़ाम तक आपको फाइट करना है, आप एक फाइटर हो, आपको फाइट करना पड़ेगा कि भैया एग्जाम, क्योंकि मैंने इस चीज़ की प्रिपरेशन करी है तो मुझे बिल्कुल एग्ज़ाम तक फाइट करना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है इस जर्नी में, क्योंकि आपने इतना वक्त दिया है बच्चों, आपकी कहीं फीस आपने दी होगी, आपने अपना पूरा वक्त दिया है इस पे, तो अच्छे से कोशिश करते हैं ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर भी आता है तो डर से आपको जीतना पड़ेगा,
ठीक है, जिस बच्चों में ये कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, वो आगे बढ़ते जाइए, और जिनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत मैं लैक कर रहा हूँ, बट बी पेशेंस, वक्त आपका भी आएगा, बस आपको प्रैक्टिस रिविज़न करके उन चीज़ों को ख़त्म करना है, डर को ख़त्म करना है, ठीक है बच्चों। बाकी आप चैम्पियन हो, आप समझते हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो आप लोग अच्छे से जानते हो। ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से साथ साथ शेयर करनी चाहिए बच्चों। तो तीसरे टाइप के बच्चे जिनको दो मंथ में कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए, आप मुझे बताइए। इफ़ यू वांट कि हाँ ये स्ट्रेटजी मुझे चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।